अगर मेरी बरादरी का मान सम्मान अगर किसी ने गाली कोती तो मेरे लिए कोई कुछ नहीं है। इस आंदोलन को उन्हीं लोगों के हाथ में देना, ये लड़ाई लंबी चलेगी, ये लड़ाई लंबी चलने वाली है। रुको भाई रुको, ये लड़ाई राष्ट्रीय स्तर पर गुर्जर स्वाभिमान से ये लड़ाई जुड़ गई है। मेरे पास मध्य प्रदेश से फोन आ रहे हैं, राजस्थान से फोन आ रहे हैं, हरियाणा बागी हुआ फिर रहा है, हिमाचल कश्मीर के मुस्लिम गुजरों के फोन आ रहे हैं कि हम कूच करें क्या, मन की अभी रुको, आज रणनीति बना रहे हैं। ये लड़ाई उन लोगों के हाथ में देना जो अब से लेकर इसके निजाम तक, इसके अंतिम फैसले तक जो तुम्हारे साथ चल सके। मत मुखिया गुजर पर भरोसा करना, मत किसी और पे भरोसा करना, सिर्फ अपनी रणनीति बनाओ। और फिर पांडे जी सुन लो, अगर यहाँ शांति है तो आपकी भी नौकरी और इज्जत है, और शांति रखना तुम्हारे हाथ में। हमें अगर कोई छेड़ेगा ना तो शांति हो ही नहीं सकती। बहुत बढ़िया। और अगर हमने हमसे आराम से देखते रहो, मैंने बहुत बड़ी बड़ी लड़ाई लड़ी है तुम्हें पता तो है, आराम से देखते रहो, कोई कुछ नहीं कहने वाला। ये वो वीर रणबांकुरों की बिरादरी है जिन्होंने दूसरों के लिए कुर्बानी दी, तुमसे कोई क्या कह करके खुश हो जाएगा? इसलिए तुम उनसे इन अधिकारियों को भगाओ, सिर्फ आप अकेले बहुत हो। गुर्जर ब्राह्मण का सम्मान करता त्रिपाठी ने लिखा होता तुमसे लिपट लिए होते अब तक तो। इसलिए तुम अपने ऊपर जिम्मेदारी ले लो, हम कह रहे हैं इन्हें भगाओ सबको यहाँ से, ये डरा रहे हैं। अरे यार कितने पीट दिए हमने, जो कह जी पुलिस की वर्दी दिखा रहे हैं। ये फैसला मैं मुद्दा पेश कर रहा हूँ, मैं प्रस्ताव रख रहा हूँ। पंचायत का मतलब होता है रविंदर वकील साहब, जो बदतमीजी करे वो गुर्जर नहीं है। भैया सुनो, एक बात मेरी सुन लो, हाथ जोड़ के एक बात कर रहा हूँ, बिल्कुल चुप हो जाओ। अगर आप मेरा खून हो तो बिल्कुल चुप हो जाओ। देखो मैं तुम्हें लड़ाई का तरीका बता रहा हूँ। अगर तुम शांति से बैठे रहोगे और वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है तो ये पुलिस की हिम्मत नहीं है कि 151 से फालतू तुम पे धारा लगा दे। शांति भंग की आशंका सिर्फ चूंकि अंग्रेजों की वो है ना। और अगर तुमने हुड़दंग करा, अगर तुमने हुड़दंग करा चलो कपिल आ गया, चलो बैठो, आ जा कपिल यहाँ जा, बैठो बैठो। मैं कपिल बैठो, कपिल कपिल बैठो, बैठो इधर, बैठो भाई बैठो, भाई कपिल बैठो यार बैठो। यार रुक रहे हो नहीं, मैं जाऊं क्या बिना मतलब की? मैं एक हाथ जोड़ के कह रहा हूँ शांति बनाओ, शांति शांति बनाओ। मुझे पता तुम्हारे पर मेरे पर भरोसा रखो, तुम मुझे कौन बजो कर रहा हूँ, मेरी जिम्मेदारी है ठीक है, लेकिन इन्हें हटा दो, चलो ठीक है, मेरी जिम्मेदारी है। देखो ये हमारे त्रिपाठी जी बहुत बढ़िया अफसर हैं, पर रुको यार भाई, यो का तरीका नहीं है यार, बैठते क्यों नहीं है तुम शाम सिंह भाई, बैठते क्यों नहीं है कपिल? ए कपिल जी आप बैठो, बैठो 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 बैठो।
करवा लो। अभी और क्या कर रहा हूं मैं, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, रुको रुको रुको, अरे रुक जाओ। मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ, मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ, अगर अगर तुमने बस ठीक है, मैं मुझे माफ करना, मैं बैठ रहा हूँ। हाँ जुड़वा लो, अगर भाई तुम भी छुप जाओ, अगर तुमने हुड़दंग करा तो ये पंचायत का मुद्दा बदल जाएगा। नागर साहब भाटी जी गलत तो नहीं करा, अभी हमारी जो पंचायत है वो पंचायत का मैं एजेंडा पेश कर रहा हूँ। रविंद्र तेरा पति सही है क्या? ये पंचायत मैं खुलासा करना चाह रहा हूँ, ना तो किसी जाति के खिलाफ है, बोलो हाथ उठा के सही है, ना प्रशासन के खिलाफ है, ये पंचायत शासन और हमारे स्थानीय नेता विधायक और एमपी राज्यसभा के खिलाफ है, जिसने जिसने माननीय मेरे मुख्यमंत्री ने मेरी बिरादरी पर काली पतवा दी। सही लाइन चल रही है मेरी, कर रहा हूँ भाइयों, ये लड़ाई सिर्फ इस बात की है, आज पंचायत इस बात की है, मैं प्रस्ताव रख रहा हूँ। और हाथ जुड़वा लो, अनाड़ियों की तरह शोर मत मचाओ, जब आदमी दुखी होता था वो गंभीर होता है, और जो हो करे ना वो इसका मतलब वो गैर गंभीर लोग हैं। मैं आपका भाई हूँ, हाथ जोड़ कर अपील कर रहा हूँ, आज ये पंचायत में हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे मेरी पार्टी के विधायक और राज्यसभा सदस्य वो दो लोग दोषी हैं, जिन्होंने मेरी बिरादरी के मुंह पर ताली कोद दी, उससे आक्रोशित होकर ये पंचायत है। ठीक, तो सिर्फ इस पर चर्चा होनी चाहिए। अब रही पुलिस प्रशासन की, भाइयों आप हमारे भाइयों, खाकी वर्दी वालों, त्रिपाठी जी मैं जानता हूं आपको बहुत सालों से, आप बढ़िया अधिकारी हो, एक हमारा प्रस्ताव सुन लो, जो हमारे लोग वो भेजा मैंने, कह दी तुम चले जाओ, जो हमारे लोग आपने रोक रखे हैं उनको आने दो, तो शांति की गारंटी है। हाथ उठा के बात बताओ सही है, जो हमारे लोग गिरफ्तार कर लिए गए उनको रिहा करो, शांति की गारंटी है। हम सिर्फ जो हमारे समाज की तोहिन हुई है उसका निस्तारण करने के लिए, उसका बदला लेने के लिए हम रणनीति बना रहे हैं पंचायत में, और हमारी कोई लड़ाई नहीं है, कोई लड़ाई नहीं। इसलिए प्रशासन का कोई अधिकारी आकर के हमें इस बात का अवगत कराए कि वो रिहा कितनी देर में हो रहे हैं, और जो रोके जा रहे हैं उनको बैरिकेड आपने हटाया कि नहीं हटाया, वरना उसके बाद ये पंचायत भी फिर रणनीति बनाएगी कि हम अपने लोगों को कैसे रिहा कराएं। अब एक कानून पक्ष, लास्ट बात, लास्ट खत्म कर रहा हूं, एक कानूनी पक्ष, अगर आपने हिंसा करी, इस टाइम प्रशासन यही चाह रहा है कि तुम में से कोई नौसिखिया बच्चे पुलिस से भिड़ जाए और आगजनी हो जाए, दंगा हो जाए, तो फिर क्या होगा, वो दिशा बदल जाएगी लड़ाई की, और तुम पे
उस बहाने से, क्योंकि मैंने 16 बार जेल काट चुका अब तक समाज की लड़ाई में, पाकिस्तान बॉर्डर तक जेल काट गया हूं, इसलिए मुझे इन चीजों का पता है।